ये कटर है, सिंपल कटर, इसे कतिया भी बोलते हैं हिंदी में। अब काटने की एक स्टाइल है इसकी, अधिक प्रेशर लगा के अब काटेंगे कुछ भी चीज़ तो आसानी से कट जाएगी, और थोड़ा उसे लो रखेंगे तो छीलने का काम करेगी ये। लेकिन जब तक आपको ये चलाना नहीं आएगा, आप इससे कागज़ भी नहीं काट सकते, एक ही कटर से काटना छीलना दोनों हो जाएगा। ये मैंने काफ़ी यूज़ किया कटर काफ़ी दिनों तक। ये एल्युमिनियम की सीट है, जब आपको चलाना आ जाएगा तो एल्युमिनियम की सीट भी ऐसे आसानी से काट सकते हैं। ज़्यादा मोटी टीन नहीं कटेगी इससे, फिर ये कटर ख़राब हो जाएगा। आप इस प्रकार से रेजिस्टेंस वगैरह भी काट सकते हैं। ये 6x4 डायोड है, ये काफ़ी मोटा होता है, इसे भी आप आसानी से इस तरह से काट सकते हैं। सभी टूल के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप देखकर ले सकते हैं। आगे है ये मल्टी कटर, मल्टी कटर से कुछ भी इस तरह से काट सकते हैं। मेरी कई वीडियो में आपने देखा होगा इस तरह से कटिंग करते हुए बोर्ड की, ये कटिंग के लिए ज़्यादा यूज किया जाता है। और ये है वायर स्टीपर, इससे वायर छीलने का काम करते हैं, इससे वैसे ही कट सकती है। अब इसे पूरा दबाएंगे तो इससे वायर कट भी जाएगी, लेकिन आप इसे कम दबा के और इस प्रकार से खींचेंगे तो वायर छिल जाएगी। और ये है टीन कटर, जब ये नया आता है तो इसमें स्प्रिंग लगी होती है, इसे कतिया भी बोलते हैं हिंदी में। ये मोटी टीन है हमारे पास, इसे काटते हैं। देखो ये आसानी से काट दी, कितनी मोटी टीन है ये। जब ये नया आता है तो इसमें स्प्रिंग लगी होती है, इसमें स्प्रिंग नहीं लगी तो आप इस तरह से चला सकते हैं। और ये आरी, लोहा काटने वाली आरी बोलते हैं इसे। और ये है सिकंजा, जी क्लैंप बोलते हैं इसे। ये दोनों एक साथ इसलिए दिखाएं क्योंकि दोनों से हमें अभी काम लेना है। आपको अगर कुछ काटना हो किसी पे भी आप कर सकते हैं इसे, और काटने में आसानी होती है। ये हमारे पास स्टूल है, इस पर रख लेते हैं, फिर इसे काटते हैं। और यह है बेंच वाइस, इसे बांक कहते हैं हिंदी में। इसमें कुछ भी चीज़ ऐसे फंसाई जा सकती है आसानी से, अगर छोटी है, मान लो ये पेच है, हम इसे काटना हो तो आसानी से नहीं काट सकते, और इस तरह से इसमें फंसा देंगे तो आसानी से कट सकता है। ये इसने पकड़ लिया,
अब हमें पकड़ने की ज़रूरत नहीं, आसानी से काट देते हैं। वैसे इसे बेंच में ही फिट कर देते हैं, इसमें चार होल हैं तो इसे बेंच में फिट कर देते हैं, उसमें आसानी रहती है। लेकिन मैंने इसे पोर्टेबल बना रखा है, जहाँ मर्जी उठा के ले जाओ, कुछ भी करना कर सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हैं और इसमें कुछ भी चीज़ इस तरह से फंसा के इसमें काम ले सकते हैं। यह है एल स्केयर, जिसे हिंदी में गुनिया भी बोलते हैं। ये 90 डिग्री एंगल नापने के काम आता है। और जैसे ये हमारा बोर्ड है, अभी हमने काटा, ये बिल्कुल सही से नहीं कटा, लेकिन अगर इसमें देखो तो आसानी से दिखेगा। और यह है सेफ्टी ग्लासेस, कुछ भी काटते पीटते समय आंखों की सुरक्षा के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और ये है एंगल ग्राइंडर, और साथ में है इसका स्टैंड, इसमें हमने फिट कर रखा है स्टैंड पर। अब हम बोर्ड को काटेंगे, इसकी सेटिंग बना रखे सीधा रखने के लिए। हम काटते हैं इसे थोड़ा सा, आप देख सकते हैं उसके मुकाबले, जैसे हमने हाथ से काटा था उसके मुकाबले इसने काफ़ी क्लियर काटा है, एकदम क्लोज है काफ़ी। सेटिंग अगर सही से बना दी जाती तो और हो जाता। और कितनी फिनिशिंग में काटा आप देख सकते हैं, पहला बोर्ड कटा हुआ। और यह है मार्बल या वुड कटिंग मशीन, इससे मार्बल पत्थर या लकड़ी काटते हैं। मशीन केवल ऊपर के हिस्से पर है, बाकी हमने नीचे प्लाई बोर्ड फिट कर रखा है और इसके नीचे लगा रखी है सनमाइका। और यह है इसकी चाबी, चाबी खोलकर इसे ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं और जहाँ जितना आपको ब्लेड बाहर रखना है वहाँ पर इसे टाइट कर देंगे। और इस प्रकार से इसे यूज कर सकते हैं। और ये हैं इसमें यूज होने वाले ब्लेड, ये इसकी जानकारी भी आपको सही तरह से होनी चाहिए। जब भी आप इसे यूज करें तो इसकी जानकारी जरूर लें कि कौन सा ब्लेड किस काम में आता है। और ये है घिसने के लिए, लोहे की जैसे कुछ चीज़ हम घिसते हैं तो उसे ये काम में लेते हैं। और ये पत्थर के ब्लेड, पत्थर काटते हैं इससे। और ये दूसरा भी पत्थर का है, पत्थर काटते हैं इससे। और ये लोहा काटने का, ये वाला रेड कलर का, इससे भी लोहा काटते हैं। और ये वाला है लकड़ी काटने का, लकड़ी काटने वाले से कभी भी लोहा नहीं काटना चाहिए, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और ये है घिसने के लिए। और ये है जिक्सा मशीन, ये भी कटिंग के लिए यूज की जाती है। इसमें यहाँ लगे हैं इसके ब्लेड, ये लकड़ी काटने के लिए हैं, मेटल काटने के लिए अलग ब्लेड होता है। इस प्रकार से ब्लेड लगाते हैं।
इस समय जो हम कटिंग कर रहे हैं इसमें मेटल काटने का ब्लेड लगा है। और यह है फाइल जिसे रेती कहते हैं हिंदी में। ये कई प्रकार की आती है। ये फ्लैट फाइल है बड़ी और दो छोटी हैं। छोटी वाली को जीरो नंबर बोलते हैं, जीरो नंबर फ्लैट और जीरो नंबर राउंड, तीनों से हम काम लेके देखते हैं। इसके कोने से हमने घिसा इसे तो इस तरह से दिखता है ये। और इसे घिसा तो एकदम सीधा कट बनाया इसने। राउंड वाली से घिसाया तो राउंड वाला कट बनाया इसने। और ये वाई स्ट्रीपर। इससे वायर इस तरह से काट सकते हैं। साइड में बना हुआ है इसका कटिंग करने के लिए। और यहाँ पर इस तरह से आप इसकी वायर छील सकते हैं। ये हमने मोटी वायर ली है चेक करने के लिए। और इसे भी देखो छील दिया। अब ये इकट्ठी वायर है हमारी, 8 कोर वायर है ये। पूरी 8 वायर एक साथ ही छील दिए इसने। और यह है पेचकस सेट। एक छोटा सेट है, आपको किसी छोटे काम में लेना हो तो ये सेट काम में आ सकता है आपके। और इस सेट में इतनी सारी बिट है, आपको जिस स्क्रू के लिए यूज करना हो वैसी बिट लगा सकते हैं। जैसे हम लगाते हैं एक बिट, और इसमें मैग्नेट लगी हुई है। और इसे यूज करके देखते हैं। और यह है उससे बड़ा पेचकस। इसमें 2 साइड है, 4 कट और सिंगल कट स्क्रू के लिए यह यूज किया जाता है। स्क्रू कई तरह के होते हैं, जैसे यहाँ पर है 2, इसमें फिलिप्स कट है जिसे 4 कट भी कहते हैं, और 2 इसमें फ्लैट है, और बीच वाला कॉमन है। बीच वाले स्क्रू में आप किसी भी प्रकार का पेचकस यूज कर सकते हैं, पर दोनों साइड 2-2 पेच हैं ये। राइट वाले में 4 कट पेचकस लगेगा और लेफ्ट वाले में सिंगल कट।
और ये भी एक सेट है पेचकस का। इसमें पेचकस के साथ तरह तरह की बिट आती हैं, और इसमें साथ में आती हैं नट के लिए भी बिट। इसमें 6 mm से लेकर 13 mm तक बिट हैं इसमें, जिसे आप लगाकर कहीं भी यूज कर सकते हैं। और छोटे वाले पेचकस की तरह इसमें भी मैग्नेट बनी हुई है, आप जो भी बिट लगानी है आपको लगा के चला सकते हैं। और ये अलग तरह की एक बिट दे रखी है, ये लगाएंगे नट की बिट यूज करने के लिए। इस तरह से लगा देंगे, आप इसे यूज कर सकते हैं। नट के लिए ऐसे अलग से भी पाना आपको कोई भी मिल जाएगा। ये 3 प्रकार के पाने हमारे पास अलग से हैं, जिसमें 5.5 mm है और 7 mm है और 10 mm है। 5.5 mm 1/8 के नट पेच के लिए होता है, जिसमें अभी जो सेट दिखाया था उसमें नहीं है, ये अलग से ही लेना पड़ेगा। उसमें 6 mm था, ये 5.5 mm है। ये 7 mm का है, इसमें हमने मोटे पेच लगा रखे हैं हीट सिंक कसने के लिए। आप इसे भी यूज कर सकते हैं। और ये 1/8 का नट पेच लगा है, तो 1/8 के पेच ज़्यादा यूज होते हैं इसमें हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के काम में। और ये पाना है हमारे पास 10 mm का। तो इसमें और इसमें देखेंगे आप बहुत अंतर है, इसमें गहराई बनी हुई है पूरी और इसमें नहीं है, इस वजह से पोटेंशियोमीटर में सही नहीं लग रहा है। और ये वाला आप लगाएंगे तो ये लग जाएगा। अब इसके बाद ये हैंड ड्रिल मशीन, ये हाथ से यूज की जाती है ऐसे, इसे पीसीबी के लिए ज़्यादा यूज करते हैं। और यह है रिंच, जिसे चाबी भी बोलते हैं, बोल्ट की चाबी, इससे भी आप यूज कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी नट की चाबी नहीं मिलती, तब काम आता है पाइप रिंच। पाइप रिंच पाइप कसने या खोलने के अलावा ये किसी भी छोटे बड़े नट को कस या खोल सकता है। और ये है सुआ, अगर आपके पास ड्रिल मशीन नहीं है इस तरह से आप होल कर सकते हैं। और यह है ड्रिल मशीन, और यह है इसकी की।
और ये इसके साथ यूज होने वाली बिट है, ये तरह तरह की आती हैं बिट। क्या ही साइज़ में आती हैं बिट, जैसी आपको ज़रूरत है वैसे यूज कर सकते हैं। इस तरह से इसको खोल लेते हैं। खोलने का तरीका ये है, अब दूसरी बिट लगा लेंगे। मोटी बिट लगाने के लिए आपको और खोलना पड़ेगा। इस प्रकार से इसे सही से टाइट कर देंगे। जैसे किसी चीज में होल करना हो तो इस प्रकार से कर सकते हैं। एक बिट और आती है जिसे हॉल सा भी बोलते हैं। एक बार जो हमने सब ऊपर का कॉलम बनाया था उसमें ये यूज करी थी हमने 3 इंची की बिट। इस तरह से लगा के आप इसे यूज कर सकते हैं। ड्रिल में यूज करने के लिए और भी बिट हैं, जैसे पीसीबी में यूज करते हैं। ये पेपर पे लगा रखी है मैंने, इस पर 1.7 से लेकर 0.6 तक लगी हैं। और मेरे पास है दो प्रकार की बिट हैं, 1.4 और 1.5। इसमें दो दो तीन तीन बिट पड़ी हैं, देखो बहुत छोटी छोटी हैं। ये भी एक प्रकार की बिट होती है, ये हाई स्पीड ड्रिल मशीन में यूज की जाती है, वैसे आप भी इसे यूज कर सकते हैं। और ये है ड्रिल मशीन स्टैंड, जो काफी वीडियो में आपने देखा होगा मेरी, इस तरह से दिखता है ये। यहाँ पर इसकी की लगी हुई है, यहाँ से हटा के हम की से सेट कर लेंगे इसको। अब कसने के बाद होल करेंगे इसमें। अगर आपके पास छोटी कोई चीज़ है और आप उसमें होल करना चाहते हैं, इस पर निशान बना लेते हैं सुई से। इससे क्या होगा, बिट फिसलती नहीं है इधर उधर, ये सही जगह पर होल होगा। अगर आपके पास छोटी कोई चीज़ है और आप उसमें होल करना चाहते हैं तो ऐसे हाथ से कभी ना पकड़ें, उसे हमेशा प्लास से पकड़ना चाहिए। ये प्लास है हमारे पास, प्लास से पकड़ लेते हैं, होल करते हैं। अगर प्लास से नहीं पकड़ेंगे तो आपको चोट लग सकती है। ये देखो होल हो गया इसमें।
और ये है हथौड़ी या हथौड़ा बोले, छोटी हथौड़ी बोल देते हैं, बड़ा हथौड़ा बोल देते हैं, हथौड़ा या हथौड़ी एक ही बात है। ये कई प्रकार की आती हैं, ये तीन प्रकार की हमारे पास हैं। और ठोकने का काम किसी से भी कर सकते हैं। इससे कील उखाड़ भी सकते हैं। ठोकने का काम हथौड़ी से करते ही हैं सब। जैसे ये पत्ती है, अब हम इसे हथौड़ी से सीधी करेंगे। ये आसानी से सीधी हो गई। ये प्लायर, हिंदी में प्लास बोल देते हैं, इस तरह से इसे यूज करेंगे। ये भी बहुत काम का टूल है। अगर आपको कुछ मोड़ना हो तो इस प्रकार से मोड़ सकते हैं। कोई आपके पास पतली कील है वो इस प्रकार से निशान लगा के इसको काट भी सकते हैं। थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ेगा और ये आसानी से कट जाएगी, क्योंकि निशान इसने प्लास ने लगा दिया था। और ये हम ऐसे पत्ती पकड़ना दिखा ही चुके हैं पहले। और इस प्रकार से आप किसी भी नट को भी खोल सकते हैं। जैसे बिजली वाले सबसे ज़्यादा प्लास का यूज़ करते हैं, जैसे वायर हमें काटनी है तो इस प्रकार से काट सकते हैं। छीलने के लिए मैं अपना वही कटर यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से वायर जोड़ते हैं। तो प्लास से ही मजबूती से इस प्रकार से टाइट हो जाती है, फिर कोई स्पार्किंग करने का चक्कर नहीं रहता इसमें, नहीं तो बिजली हमेशा स्पार्क कर सकती है। एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा आपको, किसी वायर में करंट है तो इस तरह से दो प्लास से पकड़ें और इस तरह से छील सकते हैं आप। और ये है हमारा नोच प्लायर, जो भी हमने काम दिखाया ये सेम वही है प्लास जैसे वो काम कर रहा था। ये भी प्लास है, बस इसकी आगे से चोंच बन गई है। और जहाँ ये बड़ा प्लास काम नहीं आ सकता, वहाँ कम जगह में ये आसानी से काम कर सकता है, इसलिए ये भी बहुत बढ़िया टूल है। ये छोटी जगह भी आसानी से इस तरह से, जैसे हम स्विच के पेज खोलते हैं तो ये काम कर सकता है। और ये है डक प्लायर, इसमें कमानी लगी हुई है, इधर स्प्रिंग टाइप यूज हो रहा है। इसका छोटा होना भी अपने आप में फ़ायदेमंद है। जैसे आपको आईसी की ये पिनें सीधी करनी है तो आप किसी बड़े प्लास से नहीं कर सकते इसको सीधी, बड़ा प्लास इसमें अड़ेगा और ये आसानी से ऐसे इस प्रकार से सारी पिनों को सीधी कर देगा। जब आप कोई आईसी चेंज करते हैं, किसी में निकाल के लगाते हैं दूसरे बोर्ड में, आईसी की पिन सीधी करने में तो ये बहुत हेल्प करेगा। इस प्रकार से आप कुछ भी मोड़ भी सकते हैं। और ये ट्वीज़र, जिसे हिंदी में चिमटी बोलते हैं, ये कई प्रकार की आती हैं।
जहाँ पर हाथ पहुँचाने में दिक्कत है वहाँ पर ये काम करती है। जैसे इस तरह से कुछ भी आप छोटा सा उठा के रख सकते हैं। जैसे हमारे पास इसका टूल नहीं है तो इसे चिमटी से कर सकते हैं। और ये है ब्रश, ये तो सिंपल 8 नंबर का ब्रश है। ये हम पेस्ट लगाने में या वॉश करने में यूज़ करते हैं इसे। और ये है हेल्पिंग टूल लेंस के साथ। इसे किसी भी बोर्ड को इस प्रकार से पकड़ा सकते हैं और लेंस की मदद से इसमें छोटा छोटा भी आसानी से देखा जा सकता है। और ये है हेल्पिंग टूल, ये ऑक्टोपस टाइप है। और ये है रिवेट टूल, इसमें 3 दे रखे हैं अलग से नोजल। ये अलग अलग साइज के हैं, एक सेम साइज है ऊपर वाले का, बाकी 2 अलग साइज हैं। इसमें रिवेट जो आती है, रिवेट मोटी पतली और छोटी बड़ी आती हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे यूज कर सकते हैं। और ये है रिविट, ये हमारे पास 10 mm की है। इसका अगर साइज़ छोटा होता तो ये पूरी फिट बैठ जाती। ये 10 mm की हमारे पास रिबिट मोटी हिटसिंग के लिए ले रखी हमने ये। और ये है ग्लूगन, कुछ भी चिपकाने के लिए इससे यूज कर सकते हैं। इधर लगी है ग्लू रॉड जो इधर से गर्म होकर आगे से पिघल कर निकलती है। इस बोर्ड को चिपकाते हैं, इस पर चिपक गया है, पर ये ज़्यादा हार्ड नहीं होता, ज़्यादा जोर लगाएंगे तो ये आसानी से हट जाएगा। और ये है आयरन, आयरन कई प्रकार के आते हैं। ये हमारे पास 4 वैरायटी के आयरन है, सबको इस तरह से पास में देखते हैं, इस तरह से दिखते हैं सब। और इस वाले आयरन के साथ ये बिटाई हुई हैं। इसकी बिट इस प्रकार से चेंज करते हैं।
इसमें यहाँ पर एलईडी भी दे रखी है, ये फ़ायदा है इसका, इससे ऑन ऑफ पता लगता है। और यह है मल्टीमीटर, ये वाला है एनालॉग मल्टीमीटर। और यह है डिजिटल मल्टीमीटर। और ये एक और प्रकार का मल्टीमीटर, ये भी डिजिटल है, इसमें कैपेसिटर की वैल्यू भी चेक कर सकते हैं। और ये क्लैंप मल्टीमीटर, क्लैंप में इस तरह से वायर लगा के एम्पियर चेक किए जाते हैं, फिर वाटेज निकाली जाती है। और यह कंपोनेंट चेक करने के लिए मल्टीमीटर, और ये भी कंपोनेंट चेक करने के लिए मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर के विषय में पूरी डिटेल किसी और वीडियो में दूंगा आपको मैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और अगर आप चैनल मेरा पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दिखाने के लिए भी बहुत कुछ बाकी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।